भोला पर आया अक्षय कुमार का रिएक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म भोला साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का रिमेक है। ओरिजिनल फिल्म में सुपरस्टार कार्तिक शिवकुमार ने रीड रोल निभाया था और अब भोला मूवी को लेकर अक्षय कुमार ने दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां, भोला मूवी का ट्रेलर देखकर अक्षय कुमार ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आपको बता दें कि बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन इन दिनों अपनी मोस्ट अवेंटेड फिल्म भोला को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। दोस्तों मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं लैंड एक्सप्लेन 007। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अजय देवगन भोला के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने पहले ही फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा रखा है। सभी बड़े पर्दे पर अजय और तब्बू को धमाकेदार एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरह से भोला को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है वैसा कभी और फिल्म के लिए नहीं देखा गया। आपको बता दें कि भोला को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करें हाल ही भोला को लेकर शाहरुख खान ने अपना रिएक्शन दिया था। अब इस कड़ी में अगला नाम अक्षय कुमार का जुड़ गया है। खबर है कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने भोला को लेकर अपना रिएक्शन दिया। जब खिलाड़ी से इंटरव्यू के दौरान अजय देवगन भोला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाल ही में मैंने भोला का ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया, आप सभी लोग भी फिल्म जरूर देखें, मुझे पता है अजय देवगन की फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। दोस्तों आगे अक्षय कुमार ने बताया कि अक्षय कुमार के इस बयान ने सनसनी मचा दी है। अजय देवगन के पास खिलाड़ी का दिल से धन्यवाद अदा कर रहे हैं। मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म भोला इस साल की दर्शकों की सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म में से एक है और दर्शक इस फिल्म का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि भोला फिल्म पूरी तरह से एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें अजय देवगन ने दमदार एक्शन किया है और इस फिल्म को अजय देवगन खुद डायरेक्टर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म भोला साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का हिंदी रिमेक है। ओरिजिनल फिल्म में सुपरस्टार कार्तिक शिवकुमार ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन किया था। भोला की कहानी की बात करें तो यह नशीली दवाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में बाप बेटी के बीच की वाइंडिंग भी देखने को मिलेगी। भोला के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन और तब्बू के अलावा दीपक डोबरियाल और शरद केलकर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म 30 मार्च 2023 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो वही भोला को 3D और IMAX में देखा जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, फिल्म भोला इस साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी या नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो और ऑडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।